गाइस, ये है मेरा घर पर बनाया हुआ ड्रोन। इसको तो मैंने बहुत उड़ा लिया। अब मैं इस 775 DC मोटर से एक रिमोट कंट्रोल कार और एक RC बोट बनाने की सोच रहा हूँ। लेकिन यार मुझे एक यहाँ पर प्रॉब्लम आ रहा है। इस रिमोट कंट्रोल से 775 DC मोटर डायरेक्ट नहीं चल पा रहा है। लगता है इसके बीच में एक इलेक्ट्रॉनिक स्पीड कंट्रोलर लगाना पड़ेगा। ये ड्रोन का BLDC मोटर है। इसको चलाने के लिए इसके साथ ESC लगाना पड़ता है, तब जाकर ये मोटर चलता है। तो मैंने इस वाले ESC को 775 DC मोटर के साथ लगाकर भी देखा, लेकिन यार मोटर तो इससे बिल्कुल भी नहीं चल पाया। कारण यह है कि ये वाला ESC 3 फेज के BLDC मोटर को चलाने के लिए बना हुआ है, और जो 775 DC मोटर होता है वो ब्रश्ड मोटर होता है। तो उसको चलाने के लिए एक अलग से ब्रश्ड ESC खरीदना पड़ेगा। तो भाई ESC की तलाश में मैं आया गूगल बाबा के पास, और यहाँ पर सर्च करने के बाद मुझे कमाल का वेबसाइट दिखा। नाम है rubo.in। यहाँ पर तो काफी सस्ते प्राइस में इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मिल रहा है, और भाई मेरे RC कार के लिए यहाँ पर ESC भी मिल गया। और ये मुझे RC कार RC बोर्ड बनाने के लिए एकदम परफेक्ट लग रहा है, तो इसी को ही ऑर्डर कर देता हूँ। तो भाई ऑर्डर करने के 4 दिन बाद मुझे पार्सल मिल गया। चलो इसको अनबॉक्स करके आपको दिखाता हूँ। और हाँ दोस्तों, rubo.in की वेबसाइट में आपको इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, DC मोटर, रिमोट कंट्रोल और प्रोजेक्ट से रिलेटेड काफी सारा सामान एकदम सस्ते प्राइस में मिलता है। दोस्तों ये रहा 775 DC मोटर को कंट्रोल करने के लिए ब्रश्ड ESC। मैंने 2 पीस इसको ऑर्डर किया था। और दोस्तों ये हॉबी विंग ब्रांड का है, क्विक रन 1060 ब्रश्ड इलेक्ट्रॉनिक स्पीड कंट्रोलर। दोस्तों ये 60 एम्पियर का ESC है, और ये पूरा वाटरप्रूफ है, तो ये मुझे काफी अच्छा चीज लगा। अगर हम RC बोट बनाते हैं तो पानी के अंदर गिरने के बाद भी ESC बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। तो देख सकते हो दोस्तों, इस टाइप का ESC है, देखने में तो काफी बढ़िया लग रहा है, और इसमें वायर भी काफी सारा है। दोस्तों इसके डब्बे के अंदर हमें मिल जाता है एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल, हॉबी विंग का स्टिकर, 2 जिप टाई और डबल साइडेड टेप। दोस्तों इसकी क्वालिटी काफी अच्छी लग रही है। और इसमें वायर की बात करें तो ये रेड और ब्लैक कलर का वायर बैटरी के साथ कनेक्ट होगा, और येलो और ब्लू कलर का वायर मोटर के साथ कनेक्ट होगा। और इसमें एक ऑन ऑफ का स्विच भी दिया हुआ है, तो बार बार ESC के साथ बैटरी लगाना और खोलना नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों ये वाला वायर जो है सिग्नल का वायर है, जो कि ट्रांसमीटर का रिसीवर के साथ जुड़ेगा। बात करें इसमें कौन सा बैटरी लगेगा, तो यहाँ पर लिखा हुआ है इसमें हम 2S से लेकर के 3S तक का लाइपो बैटरी जोड़ सकते हैं, यानी कि हम इस टाइप का ड्रोन बैटरी हो गया, और जो 18650 बैटरी होता है उसको भी जोड़ सकते हैं। ESC के ऊपर साइड में 2 जम्पर वायर लगा हुआ है, इसको निकाल देता हूँ। इस वाली ESC के अंदर कई सारे सेटिंग मिलता है, जिसको हम लोग इस जम्पर वायर के द्वारा ऑन ऑफ कर सकते हैं। वीडियो को पॉज करके आप इसे पढ़ सकते हो। ESC के अंदर सेटिंग करने के लिए इसमें 6 छोटा छोटा पिन दिया हुआ है, जिसमें जम्पर वायर को लगाना होगा। तो अभी मैं इसे लाइपो बैटरी से चलाऊंगा, इसलिए इसके लेफ्ट साइड के 2 पिन को जम्पर वायर से कनेक्ट करना होगा। और अगर आपके पास निकल मेटल हाइड्राइड बैटरी है, तो आपको राइट साइड के 2 पिन में जम्पर वायर को लगाना होगा। बात करें ऊपर के 3 पिन की, तो अगर आप अपने RC कार में फॉरवर्ड, ब्रेक और रिवर्स का फीचर चाहते हो, तो आपको लेफ्ट साइड के 2 पिन में जम्पर वायर को लगाना होगा। और आप अपने RC कार में फॉरवर्ड और ब्रेक का ही ऑप्शन चाहते हो, तो आपको राइट साइड के 2 पिन में जम्पर वायर को कनेक्ट कर देना है। इसके अलावा इसमें तीसरा फीचर है, अगर आप अपने RC कार में फॉरवर्ड और रिवर्स का ही सिर्फ ऑप्शन चाहते हो, तो आपको तीनों पिन को खाली छोड़ देना है। अभी मैं इसे लाइपो बैटरी से चलाऊंगा, तो इसके लेफ्ट साइड के 2 पिन में मैं जम्पर वायर को लगा देता हूं। और दोस्तों मैं अपने RC कार में चाहता हूं फॉरवर्ड, ब्रेक और रिवर्स का फीचर, तो यहां पर मैं लेफ्ट साइड के 2 पिन में जम्पर वायर को लगा दिया हूं। अब करते हैं इस वाले ESC की टेस्टिंग। तो यहां पर मैं बैटरी के लिए 2 वायर और मोटर के लिए 2 वायर जोड़ दे रहा हूं, और ESC का जो सिग्नल वायर है, इसको मैं रिसीवर का जो सेकेंड वाला चैनल होता है उसके साथ जोड़ देता हूं। दोस्तों ये मेरे पास कई सारे अलग अलग टाइप के मोटर है, जैसे कि 775 मोटर, 540 मोटर, 550 मोटर हाई स्पीड वाला। तो अलग अलग मोटर है, सबकी टेस्टिंग कर देखेंगे। यह गियर मोटर है, इसको भी चलाकर देखेंगे। सबसे पहले मैं 775 DC मोटर को चलाऊंगा। यहाँ पर कनेक्शन करना बहुत ही आसान है। सिग्नल वाले पिन को रिसीवर के साथ जोड़ना है, और मोटर के वायर को मोटर के साथ, बैटरी के वायर को बैटरी के साथ जोड़ देना है। बहुत ही सिंपल सा कनेक्शन है। ये रहा ड्रोन का रिमोट, इससे ही मैं मोटर को चलाकर दिखाऊंगा। तो चैनल नंबर 2 इस वाले स्टिक में होता है, तो इसको ऊपर नीचे करने पर मोटर चलना शुरू हो जाएगा। आप मोटर को ध्यान से देखना, ये देख सकते हो स्टिक को ऊपर करने पर मोटर चलना शुरू हो चुका है, और जितना स्टिक को ऊपर करते जाओगे उतना मोटर का स्पीड बढ़ते जाता है। तो दोस्तों इसमें मैं फॉरवर्ड, ब्रेक और रिवर्स का फीचर डाला हूं, तो ये देख सकते हो मोटर अब उल्टा डायरेक्शन में घूम रहा है। अब मैं ब्रेक लगाकर दिखाता हूं, ये देख सकते हैं दोस्तों मोटर एकदम से रुक गया। तो इसमें एकदम से छोड़ने पर स्टिक को मोटर जो है फट से रुक जाता है, क्योंकि हमने यहाँ पर ब्रेक का भी फीचर डाला है। और वैसे ESC में कई सारा सेटिंग दिया है, तो जम्पर वायर को अलग अलग पिन में कनेक्ट करके अलग अलग फीचर का यूज कर सकते हैं। यहाँ पर गियर मोटर काफी बढ़िया से चल रहा है। और दोस्तों इस रिमोट कंट्रोल से स्पीड भी कम ज्यादा होता है, आप देख सकते हो जितना मैं थ्रोटल को बढ़ाते जाता हूं, उतना स्पीड बढ़ते जाता है। ये काफी बढ़िया फीचर है, एकदम से मोटर चालू नहीं हो रहा है, एकदम धीरे धीरे करने पर धीरे धीरे चालू हो रहा है। तो RC कार के लिए एकदम परफेक्ट है,
एकदम आरसी कार को आप धीरे चलाओगे तो धीरे चलेगा, फास्ट चलाना है तो फास्ट चलेगा। दोस्तों ये है रिमोट कंट्रोल कार का 540 नंबर का मोटर, बहुत ही हाई आरपीएम का होता है और ज़्यादा करंट खींचता है, तो इसको भी एक बार चलाकर आपको दिखा देता हूँ। और दोस्तों मेरा तो प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है, तो मैं इस वाली ESC का यूज़ करके काफ़ी सारा अलग अलग तरह का प्रोजेक्ट बना सकता हूँ, रिमोट कंट्रोल कार, रिमोट कंट्रोल बोट और RC टैंक वगैरह भी बना सकता हूँ। तो इस वीडियो में मैं दोस्तों अभी एक रिमोट कंट्रोल कार बनाकर आपको दिखाऊंगा, तो बने रहो वीडियो पर। दोस्तों आपने देख लिया ना, ये वाले ESC काफ़ी मस्त तरीके से DC मोटर को चला दे रहा है। ये 60 एम्पियर का है तो आसानी से 3-4 तो मोटर आसानी से चल जाएगा। और दोस्तों इसकी प्राइस की बात करें तो इसको मैंने ना 2135 रुपये का ख़रीदा है। आपको तो प्राइस थोड़ा ज़्यादा लग रहा होगा, लेकिन दोस्तों ये बाहर देश में मिलता है, वहाँ से मंगाने में इंपोर्ट कराने में जो खर्चा होता है ना, वो पैसा इसमें जुड़ा होता है, इसलिए इसका प्राइस आपको थोड़ा ज़्यादा लग रहा है। लेकिन दोस्तों इससे काफ़ी बढ़िया बढ़िया प्रोजेक्ट बना सकते हैं, तो पैसा वसूल हो जाएगा। और ये तो मैंने अपने प्रोजेक्ट के लिए ख़रीदा है, आप चाहो तो अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड कुछ भी सामान ऑर्डर कर सकते हो, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट हो गया, इस टाइप का रिमोट कंट्रोल हो गया, बैटरी हो गया, DC मोटर हो गया, हर सामान आप ऑर्डर कर सकते हो rubo.in की वेबसाइट से। वेबसाइट को एक बार जरूर से चेक कर लेना दोस्तों, वेबसाइट का लिंक मैंने कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और इस वेबसाइट की अच्छी बात यह है कि दोस्तों आप कैश ऑन डिलीवरी में भी सामान ऑर्डर कर सकते हो। चलो दोस्तों अब इस वाली ESC से मैं आपको एक रिमोट कंट्रोल कार बनाकर दिखाता हूँ। दोस्तों कुछ दिन पहले मैंने एक शॉर्ट वीडियो में इस वाले कार को बनाकर दिखाया था, इसमें मैंने 4 गियर मोटर का यूज़ किया है और ये वाला कार 4x4 बना था। तो आज दोस्तों इसको मैं फुल रिमोट कंट्रोल बनाकर दिखाऊंगा, तो इसके लिए मैं यहाँ पर दोनों ESC का यूज़ करूँगा और इन दोनों का कनेक्शन करना बहुत ही आसान है। मैंने शुरू में जैसे DC मोटर कनेक्शन कर दिखाया था, उसी टाइप से इनका भी कनेक्शन होगा। जल्दी से मैं इसको जोड़ करके लाता हूँ। दोस्तों यहाँ पर मैंने अच्छे से कनेक्शन कर दिया है बैटरी और मोटर के साथ, और दोस्तों नीचे में मैंने 18650 बैटरी का यूज़ किया है, तो जल्दी से इसे आपको चलाकर दिखाता हूँ। गाइस ये रिमोट कंट्रोल कार एकदम मस्त चल रहा है और इसका स्पीड भी कम ज़्यादा होता है, इसको लेफ्ट राइट और आगे पीछे किसी भी डायरेक्शन में चला सकते हैं। अभी मैं इसको इस प्लाईबोर्ड के ऊपर चढ़ाकर दिखाता हूँ। ये तो 4x4 कार है तो ऊपर तक आसानी से चढ़ जाएगा। दोस्तों सच्चे में इसको चलाने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। दोस्तों आपको ये 4x4 कार पसंद आया होगा तो नीचे में जो लाइक का बटन आ रहा है उसको दबा दो, और चैनल पर नया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट वीडियो में इस बार ESC का यूज़ करके क्या प्रोजेक्ट बनाया जाए मुझे कमेंट कर बताओ, रिमोट कंट्रोल बोट या फिर एक और RC कार बनाकर दिखाऊं, जल्दी से कमेंट कर बताओ। और हाँ, rubo.in वेबसाइट का लिंक मैंने कमेंट में पिन कर दिया है, तो वहाँ से आप सामान वगैरह ऑर्डर कर सकते हो।